दोस्तों अब आने वाला त्योहार रक्षाबंधन का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। रक्षाबंधन जो है वो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का एक प्रतीक है। राखी की थाली सजाते समय रेशमी वस्त्र में केसर, सरसों, चंदन, चावल, दुर्वा रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। रक्षाबंधन पर आखिर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राखी बांधते समय और रक्षाबंधन के दिन क्या काम आपको नहीं करने चाहिए, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, भाई बहन को तोहफे में क्या चीजें नहीं देनी चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। और रक्षाबंधन सबसे पहली बात तो कब है, क्या इसका शुभ मुहूर्त और समय है, आइए रक्षाबंधन के त्योहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको 2 मिनट में फटाफट से बता देता हूं। दरअसल रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है भाई बहन ब्रदर एंड सिस्टर के लिए ही होता है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनको तिलक लगाती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। बदले में भाई उनको रक्षा का वचन देता है और भाई अपनी बहन के लिए कोई भी उपहार गिफ्ट भी देता है। प्राचीन काल से यह त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। हर साल ये त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा जो है वो 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन रहेगी। यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार 22 तारीख को अगले महीने की अगस्त की 22 तारीख को है, ठीक है ना, ये बात तो आपको पता चल गई। अब राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो क्या रहेगा, तो सुबह 5:50 से अच्छा समय शुरू होगा जो कि शाम को 6:03 तक रहेगा। यानी कि रक्षाबंधन के दिन लगभग पूरे दिन भर अच्छा मुहूर्त ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप रक्षाबंधन पर राखी विशेष मुहूर्त में बांधना चाहते हैं जो बहुत ही सुपर स्पेशल मुहूर्त है, तो उसके लिए टाइमिंग रहेगी दिन में 1:44 से शाम को 4:23 तक। ये बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा रक्षाबंधन के लिए। राखी की थाली में आप कुछ चीजें जरूर रखें, जैसे कि रेशमी वस्त्र में केसर, सरसों, चंदन, चावल, दुर्वा रखकर पहले आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर उसी थाली से आपके भाई की भी आरती उतारनी चाहिए। अच्छा, अब रक्षाबंधन के बारे में कुछ खास बातें जो मैं आपको बता दूं। रक्षाबंधन के दिन बहनें ये काम करें तो भाई की उम्र इससे बढ़ती है। क्या करना चाहिए, राशिफल के अनुसार अलग अलग काम है यहां पर जो मैं आपको बता दूं। मेष राशि वाली बहनें भगवान गणेश जी को दूध या राखी अर्पित करें ताकि अपने भाई का क्रोध और स्वभाव ठीक रहे। वृष राशि वाले जातक शिव जी को जल की धार अर्पित करें और राखी चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले लोग यानी कि ये बहनें अपने सूर्य देव को जल चढ़ाएं और देवी को सिंदूर और राखी अर्पित करें, इससे आपके भाई की दुर्घटना से रक्षा हो सकेगी। कर्क राशि वाले लोग भगवान गणेश को बेलपत्र और राखी अर्पित करें, इससे आपके भाई के करियर में उतार चढ़ाव दूर होंगे, करियर सेट होगा ना। अच्छा, राखी आपके नाम की कौन सी है, तो इसको लेकर यहाँ पर कंप्लीट ये चार्ट है, पहले आप इसको देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम की कौन सी राशि है, ठीक है ना। अब बात करें सिंह राशि वाले लोग शिव जी को चंदन अर्पित करें और उसके बाद राखी चढ़ाएं, इससे आपके भाई का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या राशि वाले लोग हनुमान जी, लाल फूल और रक्षा सूत्र अर्पित करें हनुमान जी को, मतलब इससे आपके भाई को मनचाही सफलता मिलेगी। तुला राशि वाले लोग भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर रक्षाबंधन अर्पित करें, इससे आपके भाई का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। वृश्चिक राशि वाले महिलाएं मतलब लड़कियां बहने पीपल के वृक्ष में जल डालें और वहीं दीपक जलाएं, डाल पर रक्षा सूत्र बांधें, इससे आपके भाई की संतान संबंधी समस्या दूर होगी। धनु राशि की बहने शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें और इसके बाद राखी अर्पित करें, इससे आपके भाई की दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। मकर राशि वाली बहनें भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाकर राखी अर्पित करें, इससे आपके भाई को आर्थिक कष्ट कभी नहीं होंगे, यानी कि रुपये पैसों की कमी कभी नहीं होगी। कुंभ राशि वाले लोग यानी कि कुंभ राशि वाली महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल और रक्षा सूत्र चढ़ाएं, इससे आपके भाई का स्वास्थ्य उत्तम होगा और रोजगार भी अच्छा चलेगा। मीन राशि वाली बहनें शिव जी को दही और जल अर्पित करें, उनको राखी अर्पित करें, इससे आपके और आपके भाई के रिश्ते मजबूत होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजी, साइंस, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार रक्षाबंधन के बारे में खास बातें हैं। एक बात और ध्यान रखें स्पेशली कि रक्षाबंधन पर भूल कर भी उपहार में ये चीजें ना दें, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो कि आपकी जिंदगी पर गलत असर डाल सकता है। एक तो ज्योतिष शास्त्र और वास्तु में किसी को भी उपहार में नुकीली और धारदार चीज देने को अशुभ माना जाता है। यानी कि आप अपनी बहन को कभी भी चाकू का सेट हो गया, मिक्सी, आईना, फोटो फ्रेम, ये चीजें गिफ्ट में न दें। इसके साथ ही रुमाल और फोटो फ्रेम भी उपहार में ना दें। कांच की चीजें और तीखी चीजें कभी भी गिफ्ट में ना दें, ठीक है ना। तो फिर आखिर क्या दें, तो आप अपनी बहनों को कोई भी शुभ तोहफा दे सकते हैं, जैसे कि ड्रेस दे सकते हैं, उनको वस्त्र दे सकते हैं, गहने दे सकते हैं, ज्वेलरी उनके लिए बनवा सकते हैं, छोटी मोटी इयररिंग वगैरह या हाथ में पहनने की रिंग दे सकते हैं, कुछ भी, है ना। बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं उनको, कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया, मोबाइल फोन्स गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें दे सकते हैं। जूते चप्पल भी उपहार में ना दें, ये भी गलत प्रभाव डालते हैं। कोई चॉकलेट टॉफी वगैरह गिफ्ट में दे सकते हैं आप। अच्छा गिफ्ट थोड़ा महंगा देना चाहते हैं तो आईफोन वगैरह गिफ्ट उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं आप भले अपने प्यार से 10 रुपए का भी गिफ्ट दो ना, तो भी वो एक गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, अमूल्य होता है गिफ्ट, महंगा सस्ता नहीं होता है। फिर भी बता रहा हूँ अगर आपकी स्थिति है तो आप अपनी बहन को अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये रक्षाबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम
की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।